गुरुग्राम से अब खुले में पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा। ये बड़ी खबर गुरुग्राम से जो हम आपको बता रहे हैं, पेट्रोल और डीजल अब खुले में नहीं मिलेगा। उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। तो नूह हिंसा के बाद यह फैसला लिया गया है कि अब पेट्रोल और डीजल खुले में नहीं मिलेगा। वहीं गुरुग्राम में भी अलग अलग इलाकों में जिस तरह से तोड़फोड़ की घटनाएं हुई हैं, उसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। तो अब पेट्रोल और डीजल जो है वो खुले में नहीं मिलेगा। प्रशासन ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। चलेंगे अपने संवाददाता नीरज अंबावता के पास। नीरज, कब तक के लिए ये आदेश लागू रहेगा और क्या है ये पूरा आदेश? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से नूह की आग की लपटें अब गुरुग्राम की तरफ बढ़ रही है, और कल हमने देखा था कि किस तरह से नूह गुरुग्राम के कई अलग अलग इलाकों में जो है कुछ शरारती तत्वों ने तोड़फोड़ की थी। आगजनी की एक जो वारदात थी वो भी गुरुग्राम में सामने आई थी कि कबाड़ के गोदाम में आग लगा दी गई है। तो ये घटनाएं ना बढ़े, इन घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके, इसको लेकर अब गुरुग्राम के डीसी ने एक आदेश जारी किया है जिसमें कहा गया है कि तमाम पेट्रोल पंप्स को ये हिदायत दी गई है कि वो खुले में किसी को भी पेट्रोल डीजल नहीं देंगे, क्योंकि लगातार बोतलों के जरिए इस तरह की आगजनी होती है, तोड़फोड़ होती है और फिर वो घटना बेहद ज़्यादा बड़ी हो जाती है। तो इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए हालांकि प्रशासन ऐसे कदम जरूर उठाता है, जब धारा 144 लगाई गई हो, तमाम फोर्सों को अलर्ट पर रखा गया हो, फायर विभाग की तमाम छुट्टियाँ रद्द कर दी गई हो, तो ऐसे में इस तरह के कदम बेहद ज़रूरी हो जाते हैं। और इन्हीं ज़रूरी कदमों में से एक ये भी काफ़ी अहम कदम माना जा रहा है कि अब गुरुग्राम के डीसी ने आदेश जारी कर दिया है कि बोतल में किसी को भी अब पेट्रोल या डीजल नहीं मिलेगा, और अगर इस जो है ये आदेशों का कोई पेट्रोल पंप कर्मचारी उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। क्योंकि लगातार प्रशासन की कोशिश और कवायद यही है कि किसी तरह से लगातार ये पूरा मामला ठंडा हो, और उसके बाद जिस तरह से जो काफी नुकसान हुआ है उसका आकलन भी होगा,